बिठमुड़ा गांव के एक विधवा महिला और उसकी बेटी की तरफ से कुलाना के भाजपा चुनाव कार्यालय के सामने चौथे दिन भी धरना जारी रहा। बीते दिन कनौह, सुरेवाला, किरोड़ी, बिठमुड़ा और ब्लॉक गांव के कई लोगों ने धरने का समर्थन किया। धरने पर बैठे लोगों ने धरना स्थल से प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नायब तहसीलदार उकलाना को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। नायब तहसीलदार न होने के कारण मौके पर मौजूद कानूनगों को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि या तो उक्त जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले या फिर दोनों पक्षों को फैसले तक हक की जमीन जोतने का हक दिलाए। अगर ऐसा नहीं होता तो बरवाला में रैली करने आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे और रैली का विरोध करेंगे। वहीं कानूनगो का कहना है कि लोगों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को वह जल्द ही DC के पास भेजेगा और जल्द ही इस मामले की उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, हम 4 दिन से धरने पर बैठे हैं, अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनाई नहीं हुई है। और जब अगर हमारी कार्रवाई नहीं होगी, ना सुनाई होगी, तो हम अमित शाह का विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और जो हम पे बन पड़ेगा वो करेंगे हम हमारी कार्रवाई। नाम की एक विधवा लड़की है जी, जो कि इसकी 10 किली जमीन पर कब्जा है। हमें इसका हक दिलवाना चाहते हैं और काफ़ी दिनों से हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। सरकार हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही, प्रशासन, शासन, पुलिस प्रशासन, हम सबके पास भीख मांग चुके हैं, हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं। हम जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, नारे लगाते हैं, झूठा विश्वास देकर हमें वापसी लौटा जाते हैं। जी, आज इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है, ये ज्ञापन हम सरकार के पास आज ही भेज देंगे, DC साहब के पास, और जो भी इस पर कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई। कोई आश्वासन पहले भी प्रशासन ये 3-4 दिन से बैठे हैं धरने पे, कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, आश्वासन तो पहले भी इन्होंने ज्ञापन दिया था, वो हमने भेज दिया था सरकार के पास, और आज भी हम ये भेज देंगे। एवन पंजाबी की नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और एवन पंजाबी को सब्सक्राइब करें।